नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कौन से हैं वो पांच सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा, क्योंकि पूछता है आज तक दहेज आखिर कब तक। दहेज का आरोप एक माननीय सांसद पर लगा है, वो फिलहाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोप बहुत संगीन है और इस आरोप के साथ सना हुआ एक सवाल है। सवाल ये कि क्या इस देश में दहेज प्रथा कभी नहीं रुकेगी? दहेज हत्या के आरोपी को क्या सांसद बने रहने का हक है? ये सवाल भी बहुत जरूरी है। कड़े कानूनों के बावजूद दहेज हत्या आखिर इस देश में क्यों नहीं रुक पाती है? एक के बाद एक कहीं जिंदा जलाया जाता है, कहीं पर गोली मारकर हत्या, कहीं पर तमाम अन्य आरोप। बहू की मौत पर सांसद का परिवार क्या कोई राज छिपा रहा है? क्योंकि पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है। बाथरूम में लाश तो रिवॉल्वर बाहर आखिर कैसे मिला, अगर यह आत्महत्या की थ्योरी सही है? दहेज कानून की आड़ में बेकसूर भी क्या फंसाए जाते हैं? क्योंकि उनका पक्ष यही है, सांसद जी का, उनके परिवार का, कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम पर आरोप बढ़े जा रहे हैं। इन्हीं के पहले ये रिपोर्ट, पहले आइए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप की बहू की खुदकुशी का मामला अब दहेज हत्या का बन रहा है। इस मामले में सांसद समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दहेज के नाम पर कब तक इस देश में हत्याएं होती रहेंगी? सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने वाली बहुजन समाज पार्टी के सांसद अपने ही घर में अन्याय के प्रतीक बनकर उभरे हैं। दहेज के लिए बहू की हत्या का घेरा उनके गले में पड़ चुका है। सांसद नरेंद्र, उनकी पत्नी और बेटा सागर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सांसद का दावा है कि वो बेकसूर है। ये आरोप बिल्कुल गलत है। मैंने या मेरे परिवार ने कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की है। गलत है, आरोप गलत है। चूंकि हर अपराधी अपनी बेगुनाही का बिगुल खुद फूंकता है, इसलिए सांसद महोदय भी वही कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि बहू की मौत कैसे हुई? सांसद महोदय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है, लेकिन बहू हिमांशी के परिजनों के पास सवालों और आरोपों की झड़ी है, जो गुस्से की शक्ल में सड़क पर उतर आई है। सबने मिलके मारा है, सास ने, दामाद ने। कल कह रहे थे दामाद कॉलेज गया है, लेकिन दामाद हुआ लोग बता रहे थे हॉस्पिटल के कर्मचारी, ये तो साथ ही में आया था लड़की को लेके। नरेंद्र कश्यप, उनकी पत्नी और बेटे की गिरफ्तारी के बाद हिमांशी के घर वालों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, सांसद के खिलाफ नारेबाजी की और दहेज के लालच में बेटी की हत्या करने के आरोप लगाए। क्योंकि रिवॉल्वर लोडेड थी और कोई उसमें इस तरीके की घटना ना हो, या परिवार में कोई उसको, उनका कहना है, मिसयूज और या मिसहैंडल ना हो, इस वजह से उसको सेफली रखा गया था। सांसद नरेंद्र कश्यप का परिवार तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तीन रिश्तेदारों की गिरफ्तारी बाकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कुल छह लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश का सांसद और बीएसपी जैसी पार्टी का सांसद दहेज हत्या का आरोपी हो, उस देश में दहेज को लेकर आम जनता में कितनी जकड़न होगी। हिमांशु मिश्रा, गाजियाबाद, आज तक। ये वही देश है जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा जाता है, लेकिन अगर एक बेटी की जान इस तरह से जाती है दहेज के लिए इस सदी में, तो इस देश को सोचना होगा कि आखिर परिस्थितियां कब बदलेंगी, कब हम सुधरेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर रंजना कुमारी, जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ऐसे मामलों पर हमेशा बेबाकी से बोलती हैं। आभा सिंह जी, वकील और सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रही हैं। सलमान ताज जी, जो कि एसपी सिटी हैं गाजियाबाद के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा के लिए। वितेश अग्रवाल, जो कि मेंबर हैं सेव इंडियन फैमिली के, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। मैं सबसे पहले, लेकिन सलमान ताज जी, आपके पास आना चाहती हूँ। सांसद नरेंद्र कश्यप, बेटे, इन सब की गिरफ्तारी हो गई है, किन वजहों से ये माना जाए कि दहेज और उसके बाद उससे लीडिंग, जिसे कहा जा सकता है, हत्या का मामला बन सकता है? कौन से वो
प्रमाण है या फिर क्या आपने देखा जिसकी वजह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये डाउरी डेथ केस में जो एक्ट बना है इसके अंतर्गत अननेचुरल डेथ जब भी होती है लड़की की 7 साल के अंदर, जो शादी के 7 साल होने के पहले जब डेथ होती है तो वो डाउरी डेथ माना जाता है। जब वो कंप्लेनेंट ये कहते हैं कि हमसे दहेज की मांग की जा रही थी, तो सबसे पहले इसमें जो कंप्लेनेंट हैं, जो विक्टिम के रिश्तेदार हैं, उनका कहना कि हमें लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, हमारी लड़की को तकलीफ दी जा रही थी, ये उनके स्टेटमेंट्स ये अपने आप में पर्याप्त हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इस पर्टिकुलरली इस केस में ओनर्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ कि हम इनोसेंट हैं ये एक्यूज्ड पर होता है। और उनकी डेथ जो हुई है उसकी सूचना भी पुलिस तक जो सांसद हैं उनकी फैमिली के द्वारा नहीं दी गई जो दी जाने चाहिए थी। हमें अपने सूत्रों से हॉस्पिटल के लोगों से पता चला कि एक महिला की डेथ हुई है, उसको गनशॉट इंजरी है। हम मौके पर जब पहुंचे तब मामला सामने आया कि ये इनकी बहू इस तरीके से ये एक्सपायर हुई है जी। अभी इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की हमें अभी हम वेट कर रहे हैं, उसके आधार पर और फर्दर एविडेंस जो मिलेंगे उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे जी। मेरा इसीलिए सलमान ताज साहब आपसे सवाल था क्योंकि पहली बात तो अब हम सब जानते हैं डाउरी एक्ट की ही वजह से 7 साल तक अगर भी कोई भी ऐसी हत्या देखी जाती है जिसे कोई आत्महत्या बताए, कुछ भी बताए शक के बिना पर, और अगर परिवार आरोप लगाए तो गिरफ्तार। एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के नजरिए से ये सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। आपने पहली बात कही कि खुद उस परिवार ने आपको इन्फॉर्म तक नहीं किया, ये सबसे पहले शक पैदा करता है। परिवार का ये भी कहना है कि उनके शरीर पर आंखों के आसपास चोटें थी, क्या आपने प्राइमा फसाई आपने भी देखा ये? नहीं, एज सच बहुत कोई सीरियस एक्सटर्नल इंजरी नहीं नजर आई बॉडी पर, ना ही पोस्टमार्टम में ऐसी कोई बात का जिक्र किया गया है कि कोई मेजर एक्सटर्नल इंजरी उनको थी, ऐसी कोई बात उसमें नहीं आई है। सवाल नंबर दो, रिवॉल्वर, मतलब अगर कथित रूप से जो आत्महत्या से बताया जा रहा है आत्महत्या थी, तो आत्महत्या के बाद कोई रिवॉल्वर नहीं वापस रख सकता है, रिवॉल्वर बाहर होना, इसके इस पर शक हुआ आपको? जी बिल्कुल, रिवॉल्वर वो उन्होंने उठाकर एक कबर्ड के ऊपर रखी थी, जिसका उनको एक्सप्लेनेशन ये दिया उन्होंने कि ये लोडेड रिवॉल्वर थी, ये मिसहैंडल ना हो जाए परिवार के किसी सदस्य से या ये। खैर, उन्होंने सबसे बड़ी पहली गलती उनकी ये थी कि पुलिस को उन्होंने इन घटना के बाद इन्फॉर्म नहीं किया, वो इसका सबसे बड़ा गलती है। उसके बाद घटनास्थल को उन्होंने छेड़छाड़ की, वहां से रिवॉल्वर उठाया या कुछ और चीजें की जिससे वो और सस्पेशन जाता। और ताजाब, अगर मैं सही हूं तो नरेंद्र कश्यप सांसद तो हैं ही बीएसपी की तरफ से, वो खुद भी वकील हैं जी। और एक वकील को कम से कम इतना तो जानकारी होगी ही कि अगर कुछ भी ऐसा घटित होता है तो कम से कम सीन ऑफ क्राइम पर किसी भी तरह की छेड़छाड़ कैसे बाद में बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है, वो अपने आप में एक गुनाह है कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करें। बिल्कुल सही, ये उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था, एक एजुकेटेड आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं इस तरीके की सीन ऑफ क्राइम से छेड़छाड़ की जाए या विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस। आप कुछ घंटे के बाद पुलिस वहाँ पहुँच रही है तो जो मेन वाइटल एविडेंसेस होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं कभी कभार देर होने से, तो ये सब चीज़ें एक सस्पिशन और गहराता है। पर खैर, हम कंप्लेनेंट की तहरीर पर और बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस हम आगे की कार्रवाई। बिल्कुल, एक और मेरा सवाल ताज साहब, जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों को इस बहस में शामिल करूंगी, क्या इस लड़की ने या उसके परिवार में से किसी ने इससे पहले पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की? क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीते दिन भी उन्होंने किया था, लेकिन शायद थाने में या अन्य जगहों पर पुलिस की बहुत व्यस्तता की वजह से उनको कहा गया कि आप बाद में आइए। क्या इस तरह की कोई भी जानकारी बतौर एसपी सिटी आपके पास अभी तक आई है जब इस परिवार में से किसी ने इससे पहले पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की हो? नहीं, मैंने उनसे डिटेल में बात की है, विक्टिम के फादर से हीरालाल जी से मैंने बात की है। उनका ये कहना था कि लगातार दहेज की डिमांड तो हो रही थी जी। तो मैंने जब उनसे ये कहा कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करते, तो उनका ये कहना था कि मैं इसलिए नहीं कर पाया
कि एक फैमिली में अननेसेसरी टेंशन और बढ़ जाएगा, या मेरी बेटी को वो लोग और बाद में तकलीफ ज़्यादा दे सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये मैटर है, रिजॉल्व हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये जैसे नॉर्मली हर पेरेंट ये सोचता है कि एक मैटर पब्लिक ना हो, जिससे वो एक रेप्यूटेड फैमिली है उनकी इज्जत पर कोई दाग ना हो और आगे उनकी फैमिली लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ये उनका कहना था। जी बिल्कुल, ऐसी ही एक मनस्थिति रहती है जिसमें न जाने कौन सी एक सम्मान की बात को आड़े लाकर अपनी ही बेटी और उसकी बेहतरी के साथ समझौता हो जाता है। बने रहिए, आप जो बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एएनआई से इस वक्त सीधे तस्वीरें आ रही हैं जो अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीरें हैं, ये हिमानी के पिता की तस्वीरें हैं, रोते बिलखते क्या कह रहे हैं। पूरा लाल इतना पूरा, जैसे गला दबाया है, नाक पर चोट है, आंख सिर में, सिर की हड्डी टूटी है, गोली भी लगी, हड्डी भी टूटी है, बाल भी उखड़े हुए थे उसके, जैसे बाल पकड़ के उसके गोली मारी हो, बहुत बुरा हाल किया उसका, पीठ में भी चोट थी उसकी। बचाओ, संसद में भी सब नेता कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो मैं उन सांसदों से भी कहता हूँ और हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से भी कहता हूँ कि पहले तो सबसे पहले इसको नरेंद्र कश्यप को गिरफ्तार किया जाए, इसकी बहू को गिरफ्तार किया जाए, इसका एक और बेटा रह गया है सिद्धार्थ, वो गिरफ्तार किया जाए। इसने अपने एक बहनोई की भी हत्या कराई जिसमें इसका भतीजा बसा हुआ है, कत्ल किया उसका, एक साडू इसने अपना मारा। बाद में पता लगी हमारे रिश्ते होने के बाद, ना हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करते, बुरी दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी मेरे भाई ने। इतनी सीधी सादी लड़की बिल्कुल गाय की तरह थी, उसका पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था, पढ़ाना पढ़ना, खाना एक से एक बढ़िया बनाना, सबकी सेवा करना, उसकी हत्या कर दी। संसद में जाते हैं बैठते हैं वह कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हीरालाल कश्यप थे ये हिमांशी के पिता। इनका ये कहना है ताज साहब, एक बार फिर एक आखिरी सवाल, क्योंकि इस बातचीत से ये सवाल उभरा है, वो कह रहे हैं कि उन्हें साफ दिख रहा था चोटें आई हुई हैं, बाल खींचे हुए हैं, क्या ये सब आपको नहीं दिखा? नहीं, एक्सटर्नल इंजरीज मैंने जैसे कहा आपको नहीं थी, और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है डॉक्टर्स का रहा है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल सर, ठीक है ताज साहब, एक आखिरी सवाल जिसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। गिरफ्तारी लगभग 24 घंटे के बाद हुई है, मैं सही हूँ? नहीं, आप गलत हैं। कितने घंटे पे की आपने गिरफ्तारी? गिरफ्तारी करने से पहले उन्होंने ये बताया कि उनको कोई तकलीफ है, वो आईसीयू में एडमिट हो गए, हाँ। डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में थे, हाँ। एफआईआर लिखने के बाद, हाँ। हम पोस्टमार्टम रात में ही डीएम ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के परमिशन लेकर के रात में ही पोस्टमार्टम को कंक्लूड किया, सुबह तक उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट को हमने स्टडी किया, एनालिसिस किया, फॉरेंसिक जांच के लिए चीजें भेजी। मर्डर, वो मर्डर कब हुआ था सर? हमने उनकी गिरफ्तारी, मर्डर का टाइम क्या था सर? इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मेरा ख्याल है 11 बजे के आसपास मर्डर का टाइम आ रहा है। गिरफ्तारी कितने बजे हुई आज? टाइम आ रहा है एफआईआर, मैंने जैसे आपको कहा शाम में उन्होंने तहरीर दी, उससे पहले वो तहरीर देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, रात में 8 बजे के बाद तहरीर दी गई और उसके बाद ही एफआईआर रजिस्टर हो गई। तो विदाउट एफआईआर तो हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। नहीं, विदाउट एफआईआर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन पता नहीं इतना प्रिविलेज आप देश के अन्य नागरिकों को भी देते हैं क्या? नहीं, जो भी कार्रवाई हुई है वो आपके सामने है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एफआईआर होने के बाद पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद अरेस्टिंग हो। जल्दी से मैं अब इस पर कमेंट चाहती हूं, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूं आभा सिंह जी, आपने तमाम बातें सुनी है। अस्सलाम
अस्पताल में एडमिट होने दिया गया। आम आदमी को ज्यादातर कभी ऐसी सहूलियत नहीं दी जाती है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि चाहे कॉर्पोरेट्स हो या पॉलिटिशियंस हो, ये तुरंत अपने हार्ट का बहाना देके अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, तो इनको वहां तक वीआईपी सहूलियत दी गई। तो ये बात सही है, लेकिन इनके ऊपर एक मुकदमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 आईपीसी भी लगाया जाना चाहिए कि उन्होंने जानबूझ के उस रिवॉल्वर से छेड़छाड़ की, उस पर उंगलियों के निशान रहे होंगे जिसको इन्होंने छू के ऊपर रख दिया। तो एक चार्ज मैं चाहूंगी कि सलमान ताज साहब इनके ऊपर डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का भी चार्ज लगाएं। और रही बात एविडेंसेस की, बाकी लोगों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अब तक कई बाकी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, विटनेसेस को धमका रहे होंगे। हर किसी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में जो एक जो एमएलएज हैं, एमपीज हैं, आधे जो हैं ये अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं, पॉलिटिसाइज क्रिमिनल हैं, तो इनको जो है किसी को भी अगर आप बाहर छोड़ेंगे तो ये लड़की के पक्ष वालों को धमकाएंगे, उनसे कहेंगे कंप्लेन मत दो। शायद इसीलिए वो जो तहरीर थी एफआईआर लिखाने में वो लोग देर कर रहे थे। तो पुलिस को जरूरी है कि इस पे जितने लोग बाहर हैं, जो इन्वॉल्व हैं, उनको तुरंत अरेस्ट करें और कोई भी लापरवाही नहीं बरते। बहुत महत्वपूर्ण है जो बातें आप कह रही हैं। ये जो वक्त दिया जाता है सीने में दर्द के साथ अस्पताल पहुंचकर वहां पर एडमिट होने का और उसके बाद गिरफ्तारी होती है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर क्या गिरफ्तार वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि उन पर आरोप लगाया है उनकी बहू के परिवार ने कि दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या की गई है। और हम यही सवाल अब पूछ रहे हैं तमाम मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। रंजना कुमारी जी, रंजना जी सवाल यही है जो लगातार बातचीत हो रही थी कि अब इस देश में दहेज की एक ऐसी प्रथा है, अब एक राज्यसभा के सांसद पर इस तरह का आरोप लगना, फॉर्चुनर गाड़ी के लिए जो परिवार बता रहा है, ये अपने आप में बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति लगती है। दहेज से बाहर निकलने को देश तैयार नहीं दिखता है, पढ़ा लिखा अमीर गरीब कोई हो। अंजना परिस्थिति विभत्स है, अंजना परिस्थिति विभत्स है देश के अंदर। 35 साल की ज़िंदगी मेरी खुद की बहुएं जलाने के लिए नहीं, ये 80s में लिखा था और 84 में कानून हम लोगों ने दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाते हुए ये कानून बदलवाया था, कानून को थोड़ा सा कड़ा बनाया था, क्योंकि 61 से 84 तक नहीं कोई गिरफ्तारी हुई थी, ना ही कोई कंप्लेन आई थी। 3 साल के अंदर 24,771 केसेस दहेज के आए हैं। मैं ये आंकड़े इसलिए, 3.5 लाख से ज़्यादा केसेस अंजना देश के अंदर हैं, जिसमें लड़कियों ने कहा है कि परिवार वाले, पति और सब हमें परेशान और प्रताड़ना हमें देते हैं, ये कैसा दहेज का लालची देश है। और उसके बावजूद, इस सब के बावजूद एक ऐसे भी कुछ लोग हैं संसद में बैठे हुए जिन्होंने ये दबाव डालने की कोशिश की थी कि ये कानून बदला जाए। शर्म की बात है कि दहेज के लालचियों का बीएसपी के राज्यसभा के सांसद नरेंद्र कश्यप इस वक्त हिरासत में है क्योंकि उनकी बहू के परिवार वालों ने दहेज के लिए उनकी बेटी की हत्या का आरोप उन पर लगाया है, उनके बेटे पर लगाया है। आइए आपको एक बार जरा सुना देते हैं, नरेंद्र कश्यप की बहू जो दरअसल मृत व्यवस्था में पाई गई थी और उसके बाद रिवॉल्वर का बहुत ही जब पाया गया कि वो बाहर है तो शक इसकी वजह से पैदा हो रही थी। आइए आपको सुना देते हैं इस लड़की के पिता क्या आरोप लगा रहे हैं। फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे, फॉर्चूनर कपड़े, हर त्योहार पे कपड़े दिए सर, कुछ कैश की गाड़ी मांगी, गाड़ी कपड़े हर त्योहार पे कपड़े, कोई त्योहार नहीं बता नहीं तैयार लगा देते थे। ये आरोप बिल्कुल गलत है, मैंने या मेरे परिवार ने कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की है, गलत है आरोप, गलत है। हमने मिलके मारा है, सास ने, दामाद ने, वो उल्टी पड़ी हुई थी, हमने सोचा कि शायद पैर फिसल गया हो, चोट लग गई हो, उसको पलटा तो रिवॉल्वर भी साथ में पड़ा हुआ था। कल कह रहे थे दामाद कॉलेज गया है, लेकिन दामाद हुआ लोग बता रहे थे हॉस्पिटल के कर्मचारी, ये तो साथ ही में आया था लड़की को लेके। बेटा जो है ना, वो जिसकी बेटी है वो MBBS MD कर रहे हैं, तो वो मुजफ्फरनगर में सुभाती में करते हैं MD, तो उस समय वहाँ थे, फिर करके फोन उनको बुलवाया गया वहाँ से। 12 बजे की घटना है, 10:30 बजे की, और हमको सूचना मिली, हमने TV देखी है तो पता लगी है, पड़ोसियों ने बताया तब पता लगी है हमको, उन्होंने दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या कर दी। समय पुलिस को फोन करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन जब मैं अस्पताल में यहाँ पे आ गया
तो फिर हमने पुलिस को बात की, मैंने एसएसपी को बात किया, जिन्हें अपने एक बहनोई की भी हत्या कराई जिसमें इसका भतीजा बसा हुआ है, कत्ल किया उसका, एक साढ़ू इसने अपना मारा। शरीर में कह रहा था कि 32 सालों में मुझ पे कभी कोई इल्जाम नहीं लगा, 323 151 का केस मुझ पे मेरे परिवार पे कभी नहीं लगा। संसद में जाते हैं, बैठते हैं, हुआ कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हुआ देते हैं झूठे भाषण, उसको मार दिया। मैं एक सांसद हूँ, मेरा बेटा MBBS था उस समय भी, और मैं कह रहा हूँ मैं निर्दोष, मैं मतलब बिना दहेज शादी करूंगा, मैंने ऐलान किया था। ये जो नरेंद्र कश्यप जी को आप देख रहे हैं, दरअसल इस घटना के कुछ घंटों बाद बाकायदा सांसद जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तमाम बातें अपनी तरफ से कही। क्या इस तरह की इजाजत किसी अन्य नागरिक को मिलती, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं जिन पर हम चर्चा करें। मैं फ्लाविया जी आपके पास आना चाहती हूँ, फ्लाविया एग्नेस जी वकील भी हैं और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, आपके नज़रिए से इस पूरे केस को भी देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, और आपने खुद भी इसको भुगता है। फ्लाविया जी क्या आप मुझे सुन रही हैं? फ्लाविया जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, ब्रेक के बाद जैसे ही लौटेंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वितेश अग्रवाल जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है, राकेश त्यागी हमारे साथ। फ्लाविया जी आवाज़ पहुंच रही है? जी पहुंच। फ्लाविया जी तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हेलो जी, अगर आप मुझे सुन पा रही है, मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने पूछा आपके नज़रिए से ये पूरा केस, आपके नज़रिए से ये पूरा केस और दहेज का ऐसा मामला आपने खुद भी झेला है जिस तरह की मुझे जानकारी दी गई है, अगर कुछ बताना चाहे। ये गलत है, मैंने दहेज की वो ये मामला में मैंने नहीं झेला। ठीक, मेरा केस है डोमेस्टिक वायलेंस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि दहेज मृत्यु, दहेज सुसाइड और डोमेस्टिक वायलेंस वो अलग रखना हमको बहुत ही जरूरी है। ठीक, अभी क्या होता है कि हम सब वायलेंस को डाउरी वायलेंस करके कहते हैं, और ये कहना नहीं कहना चाहिए। और इसमें मुझे सिर्फ दो चीज़ कहना चाहिए, एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, एक तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, FIR कब दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशन कैसा होना, उसमें सज़ा कैसा होना चाहिए, न्यायालय में कैसा कार्रवाई चलेगा, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके साथ साथ हम सब का इसमें जो जिम्मेदारी होते हैं, जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ी करते हैं, जो उनके उनके फादर ने अभी गया, वो एक गाय की माफत थी, सबका सेवा करती थी, ऐसा हमारा लड़कियों को हम बड़ा करते हैं, और ये ससुराल में हम बेचते हैं, जिनको अपना संरक्षण के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते, अधिकार के बारे में कुछ नहीं जानते, कुछ उसके ऊपर हमला हुआ तो क्या करना चाहिए वो भी नहीं जानते। और इस परिस्थिति में और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, पहला प्रॉब्लम जो आते हैं उसको हम बोलते हैं कि उधर ही हल कर दो, उसको मिटा देंगे, तुम ससुराल में तुम्हारा भलाई होगी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और ऐसा इस मामले में भी हुआ फ्लाविया जी, ऐसा इस मामले में भी हुआ, कितना औरतों का जान गया। बिल्कुल, इस मामले में भी हुआ, परिवार खुद बता रहा है कि बेटी हमसे आई थी मिलने के लिए 25 मार्च को, लेकिन हमने समझा बुझा कर भेज दिया था। सवाल यही है कि जब आप अपनी बेटी को खुद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए नहीं समझाते हैं, आप वापस भेजते हैं, इतने बड़े खतरे में आप उसको वापस झोंकते हैं, ना जाने कौन सा सम्मान है ये जो समाज में जिसका डर लोगों के मन में इस तरह से जहन में बैठा रहता है, जिसकी वजह से ऐसे मौत के मुंह में किसी को धकेल दिया जाता है, अपनी बेटी को धकेल दिया जाता है। राकेश त्यागी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, बहुत मुश्किल होगा, कानूनी पेचीदगियों को आप भी समझते होंगे, आप नरेंद्र कश्यप जी की तरफ से वकील हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा जिस तरह से एक के बाद एक SPCT बता रहे हैं कि उन्होंने जानकारी तक नहीं दी पुलिस को। अंजना जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं आभा सिंह जी का ये आरोप निराधार बताऊंगा कि इन्होंने कहा है कि गाजियाबाद के MP और MLA क्रिमिनल्स होते हैं। हमारे यहाँ से अगर इन्हें पता ना हो तो बता दें, हमारे यहाँ से VK सिंह जी जो जनरल है रहे हैं वो MP हैं, और जहाँ तक नरेंद्र कश्यप जी का मामला है, यूपी में आज वो अभियुक्त हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, गाजियाबाद भी यूपी में आता है आभा सिंह जी, गाजियाबाद भी यूपी में आता है, नहीं तो वही बता रही है यूपी का है, आप फिगर्स देख लीजिए ADR की, 20-30% MLA और जहाँ तक नरेंद्र कश्यप जी का मामला है अभी वो अभियुक्त हैं, बाकी उन पे आज तक भी कोई आरोप नहीं लगा है किस तरह का, उन्होंने एक चांटा भी किसी को नहीं मारा है, वो जब अधिवक्ता थे तो बहुत शरीफ आदमी है, तो वो इससे क्या हुआ करते थे, अब राजनीति करते हैं,
तो लगन से राजनीति करते हैं। और जो दुर्घटना घटी है, जो एक घटना घटी है, इससे एक दिन पहले लड़की के जो फादर हैं हीरा लाल जी, वो उनके घर एक सभा करके गए हैं, उसमें उनकी खूब बड़ाई करके गए हैं। उन्होंने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने दहेज मांगा। और शायद ये मैं आपको पता नहीं है, बताना चाहूंगा कि ये बिना दहेज की शादी हुई है, बिना लड़की को देख के शादी हुई है। ये दोनों परिवारों का ही दुर्भाग्य है। ये नरेंद्र कश्यप जी का भी दुर्भाग्य है और हीरा लाल जी का भी दुर्भाग्य है कि भावावेश में या जैसे भी उनकी लड़की चली गई है, एक की बहू चली गई है, एक की बहू चली गई है, एक की लड़की चली गई है। ये विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि वो कह रहे हर त्योहार में कपड़े मांगना, फॉर्च्यूनर गाड़ी, सबको मालूम है नेताओं को फॉर्च्यूनर गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। कोई भी शादी, कोई भी शादी, बोलिए 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 रंजा जी। बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। आप सरासर वकील हैं, आप गलत बोल रहे हैं। 7048 मौतें उत्तर प्रदेश में, नहीं हम कभी गलत बोलते नहीं, हम मैडम आज तक गलत नहीं बोले हैं, उत्तर प्रदेश हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हो सकता है आपको सुनने में परेशानी हो रही हो हमारी बात। बेटी का बाप बोल रहा है कि हर बेटी का बाप कैमरे में बोल रहा है कि हर त्योहार पर कपड़े भेजे, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, ये सब देखे, ये तो हर परिवार, ये तो लड़की को सभी देते हैं। बनारस की ये कपड़े लते जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है, जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है सभी देते हैं। ऐसा मैं भी अपनी लड़की को देता हूँ, आप भी देती होंगी। वहाँ के आइए पर बाकी दहेज नहीं मांगा उसने कभी भी, बिना दहेज की शादी करना। और एक दिन पहले सभा करके गए हैं जिसमें उनकी बड़ाई करके गए, बहुत अच्छे एमपी साहब, बहुत अच्छे आदमी है। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप, नहीं आप गलत आरोप लगा रहे हैं, मेरे पास झूठ बोलने का आरोप बिल्कुल गलत लगा रही हैं। बिना दहेज की शादी की बात करना ऐसे लगे शादी चंद्रमा पर जाकर हुई है। खुद इन्वेस्टिगेशन करें, आप बिल्कुल सरासर गलत कह रहे हैं। अगर बेटी का बाप खुद इन्वेस्टिगेशन करें, कहीं भी अगर जरा सा भी मेरा झूठ हो, 7048 हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई है। त्यागी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, 3 साल में त्यागी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये शादी बिना दहेज के हुई है। त्यागी जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्यों अगर वो गलत नहीं थे, क्यों पुलिस को क्यों नहीं बताया, क्यों मिटाया, इसका एक कन्विंसिंग जवाब आप दे दीजिए। रिवॉल्वर हटाने के लिए दिमाग चल रहा था पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए नहीं, उन्होंने ठा कर रख दी है। वो पुलिस को वहाँ मिली है, ऐसा नहीं मिली है, छुपा दी है। विदेशी जल्दी से आप लोग कहते हैं कि लड़कों को सताया जाता है, लेकिन ऐसे मामले आप देखिए उस पर क्या कहा जाए। ये देखिए इस मामले में मैं एक सेकंड, ये मामले की इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस कर रही है, जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। आरोप है, फिलहाल हम आरोपों पर ही बात करें। मैं आपसे इस पूरी धारा, हमारा पूरा विरोध इस पूरी धारा 304B के खिलाफ है। आज हमारे देश में कोई वाइफ सुसाइड कर लेती है तो तुरंत उसके हस्बैंड का और उसकी पूरी फैमिली को जेल के पीछे डाल दिया जाता है, जैसा कि इसके में क्या गया। कोई लड़की सुसाइड कर लेती है तो उसके बॉयफ्रेंड को तुरंत उठा के जेल में डाल दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में 304B का दुरुपयोग हो रहा है। लगभग 75% लोग एक्विटल हो जाते हैं, बाद में छूट जाते हैं जेल से, उनके मान सम्मान का, उनकी मान हानि का कौन भरपान करेगा। और अगर जो कोई हस्बैंड सुसाइड कर लेता है तो पुलिस एक FIR तक दर्ज नहीं करती है। एसपी साहब आपके पैनल पे हैं, किस बात का मान सम्मान की बात आप कर रहे हैं? आप मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आभा सिंह जी, रंजना सिंह जी, रंजना जी, आवाज ऊंची करने से आपकी गलत बात सच सच नहीं हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, दहेज के लाल जी पर बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं होना चाहिए। मुझे पर बेगुनाह लोगों को जेल में नहीं ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात कहना बंद नहीं करूंगी। रंजना जी, पर आप गलत डेटा देकर देश को बरगला भी नहीं सकती हैं। आपने भी जो 24,000 केसेस का डेटा दिया, उनमें से लगभग 98% केसेस तो लोअर कोर्ट के लेवल पे बंद हो जाते हैं। बरगला रहे आपके सामने इतनी बड़ी, इतना बड़ा केस आपके सामने, और आज फिर भी कह रहे 304 है, मृत्यु शरीर पाया गया है, उसमें आपने रिवॉल्वर क्यों छुआ, पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? बिल्कुल यही वो सवाल है जो बहुत सारा शक पैदा करते हैं। और चलते चलते एक सवाल, सवितेश जी, आपकी कोई बेटी है? जी हाँ, बेटी है जी हाँ, संभाल के रखिएगा। जी हाँ जरूर, क्योंकि इस देश में दहेज लड़की के ही पिता से मांगा जाता है। जी देखिए, एक सेकंड सर, इस देश में जिंदा लड़की को ही जलाया जाता है दहेज के लिए, ठीक है? एक सेकंड, कितने साल की है? बिल्कुल 7 years
7 साल की है। इस देश में दहेज लड़की के ही माँ बाप से मांगा जाता है, इस देश में दहेज उत्पीड़न लड़की के ही साथ होता है और जिंदा जलाया जाता है अगर किसी के जिस्म को तो वो भी लड़की ही होती है और वो लड़की किसी की भी बेटी हो सकती है। देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र में, सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी?